YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मीना बाज़ार बरदुबाई। तो मैं आपको मीना बाज़ार के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मीना बाज़ार इज़ नोन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन पाकिस्तानी लेडीज़ ड्रेसेस, साड़ीज, लहंगास, कुर्ती, सलवार कमीज एक्सेट्रा एंड काफ़ी कुछ मिल जाता है वहाँ। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये एंड यहाँ आने से ऐसा फील होता है इंडिया की किसी मार्केट में शॉपिंग करने गए हो। फुल इंडिया वाला फील आता है वहाँ जाने से। एंड वहाँ एक से बढ़ के एक स्टिच अनस्टिच ड्रेस मटेरियल वगैरह मिलती है एंड रेट भी कंपेरेटिवली रिजनेबल होती है वहाँ का। एंड ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड सब तरह का ड्रेस वहाँ मिलता है। तो बेसमेंट पार्किंग है तो हम यहाँ ही पार्क कर देंगे। यहाँ पारा हुआ 10 दिरहम शायद ऐसा कुछ है और मार्केट में तो पार्किंग मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है वहाँ, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। के अंदर भी काफ़ी सारे शॉप्स है, बहुत इंडियन एंड पाकिस्तानी सूट मटेरियल्स वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाती है। बच्चों के भी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल जाती है। तो मैंने सोचा मैं आई हूँ तो अपने लिए भी देख लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए सलवार देख रही थी और इस बार मुझे हैवी नहीं लेना था क्योंकि यहाँ आप कहाँ पहन के जाओ, तो मुझे लाइट वेट का सिंपल सा ही कुछ सलवार मैं देख रही थी। तो आप भी मेरे साथ देखिए और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को। एक नीचे इनर नहीं है ना, ये कॉटन में जी, कॉटन इनर वाला भी दिखाता हूं। यू ये प्लाजो है, प्लाजो के दिखा रहा हूं इसका कलर। अभी प्राइस सब का प्राइस कैसा है सेट का? 140 फुल सेट। ये विद दुपट्टा इनर है ये ना, इसका प्राइस 100 है। वो बाहर वाला वो 400 था। वो कौन सा कलर है? ये दिखा दीजिए, पिंक वाला ही दिखा दीजिए, कॉटन में है ना इसका दुपट्टा है, इसका ट्राउजर है। ये टॉप है ना, ये बॉटम पर चिकन का रिंग है, ये दुपट्टा। हाँ दुपट्टा, सूट का कलर भी बहुत प्यारा है। सूट दिखाइए एक बार। हाँ ये अनारकली टाइप है ना, अनारकली। नीचे एक साइड की पॉकेट भी है। डान क्या कर रहे हो आप? बच्चा रख दो। तो देखा आप लोगों ने, मैं शॉपिंग कर रही थी और इसके बीच जिदान क्या कर रहा था, वो किसी के शॉप में जाकर सारा एनिमल्स निकाल रहा था। डर नहीं लगता? बहुत शरारती हो गया है। तो मैंने अपने लिए 2 सूट्स लिया है जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ भी देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास। बाहर भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, जो बाहर के हैं ना वो ऑफर में लगे हुए होते हैं। और कुर्ती के भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में ये वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा था हेवी में, और ये दूसरा ये डार्क कलर में देखिए ये कुर्ती सेट है, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो देखिए ये ब्लू कलर का पाकिस्तानी सूट, ये फुल एम्ब्रॉयडरीड है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्यारा सूट है, इसका कलर भी काफ़ी प्यारा है। और इसके साथ ये दुपट्टा और सलवार दुपट्टा, इनके दुपट्टे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैंने ये नहीं लिया क्योंकि एनिवर्सरी में मैंने जो लिया था वो भी सेम पैटर्न में ही था, वो थोड़ा लाइट ब्लू में था। और ये देखिए ये पिंक वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये सब प्योर कॉटन में होते हैं और ये सब की काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन उनके पास होती है। और मेन उनके दुपट्टे काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये वाला देखिए ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये लॉन्ग पैटर्न में था। ये सूट्स के प्राइस 150 से लेके 200 तक होती है, मतलब मटेरियल के ऊपर है। कॉटन अगर आप लेना चाहो तो वो स्टार्टिंग 100 दिरहम से होती है जो कि इंडियन 2000 हो जाता है। और इनके पास आप वेराइटीज़ देखिए कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ थी। आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि आप कौन सा लो कौन सा ना लो, इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है और आपको हर साइज़ में सूट्स मिल जाएंगी। यहाँ मैंने एक हैवी सूट निकालने के लिए बोला था तो ये ग्रे कलर का देखिए इतना प्यारा सूट, और इसका कलर मुझे इतना प्यारा लगा। और ये हुस्नारा
ब्रांड का सूट था, बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस सूट था ये। देखिए आप, इतना प्यारा दुपट्टा था और इतना दुपट्टे में भी काफी हेवी वर्क किया हुआ था। ये वाला काफी एक्सपेंसिव था, ये थोड़ा हेवी में था इसलिए काफी एक्सपेंसिव था। और ये पिंक कलर का देखिए, ऐसे सेम मेरे पास था, मैं जब इंडिया गई थी तब मैं लेके गई थी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में था। तो अभी इसके काफी अच्छे अच्छे कलर्स आए हैं। और ये ब्लैक वाला देखिए हैवी ड्रेस, ये भी काफ़ी प्यारा था, मैंने उन्हें खोलने नहीं दिया, बेकार में खोल के उनको क्यों परेशान करना। और देखिए ऊपर जो है सारे अनस्टिच सूट लगे हुए हैं, और इनके कलर्स की वैरायटीज देखिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स थे। और यहाँ इंडियन ड्रेसेस के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन होती है, तो यहाँ आपको हर साइज़ की ड्रेसेस मिल जाएगी। अगर आप 2XL, 3XL, आपको जिस भी साइज़ में चाहिए आपको मिल जाएंगी। और इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटीज होती है, बोथ स्टिच अनस्टिच एंड कुर्ती में भी देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन होती है। और आपको अगर अनारकली टाइप में सूट चाहिए उसमें भी होती है। और ये आजकल नया चिकन करी में भी हेवी वर्क किया हुआ निकला है, वो भी है उनके पास। तो देखिए यहाँ मैंने जिदान को चिप्स देकर बिठाया है, पता नहीं जिदान आज काफ़ी रो रहा था, काफ़ी परेशान कर रहा था, उसे सिर्फ गोदी में आना है। और यहाँ देखिए एक्सेसरीज़ के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, ये बाहर लगे हुए थे, ये नेक पीस इयर रिंग्स वगैरह, देखिए कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ थी। तो यहाँ एक लाइन में काफ़ी सारे शॉप्स होती है, तो देखिए इनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है। तो मैं हर शॉप के अंदर नहीं जा रही हूँ, ऐसे अगर नहीं लेना है तो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है मुझे। और हर किसी के शॉप में जाकर ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे कैसा अनकंफर्टेबल सा फील होता है इसलिए। देखिए बच्चों के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन होती है, ये क्यूट सा साड़ी देखा आपने, रफल साड़ी है। और यहाँ देखिए हेवी ड्रेस में बच्चों के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन होती है। और कंपेयर टू इंडिया यहाँ का प्राइस थोड़ा हाई होती है, वैसे भी अगर आप दुबई में रहते हो तो दुबई के हिसाब से ही प्राइस होगी ना। शॉप के अंदर चलते हैं, तो ये न्यू शॉप खुला है और उनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। और वो जो लेडी थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्यारी थी, वो बहुत अच्छे से हर चीज़ दिखा रही थी। तो वो इतनी स्वीट थी, इतने अच्छे से हर चीज़ दिखा रही थी और मुझे बोल रही थी आप अच्छे से शूट करो। और उनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, तो वो भी इंडिया से थी, न्यू शॉप उन्होंने यह ओपन किया था। ओपन स्पेस था बच्चों के खेलने के लिए, प्लेग्राउंड जैसा था और काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे, तो उनको देखकर जिदान भी अपने स्ट्रॉलर से उतर गया था और वो भी यहाँ भागदौड़ करने लगा। और अभी हम जहाँ है उसे अल्फाइदी सुख बोलते हैं और उसके पीछे ही मीना बाज़ार है। तो अल्फाइदी सुख के अंदर भी काफ़ी सारे शॉप्स थे, वहाँ बहुत इंडियन एंड पाकिस्तानी सूट्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं। कलेक्शन होती है उनके पास, हर कलर में हर डिज़ाइन में आपको क्या चाहिए सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ आने से। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के अभी हम जा रहे हैं मीना बाज़ार, और मीना बाज़ार फेमस है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, कपड़ों के लिए, बहुत इंडियन एंड पाकिस्तानी ड्रेसेस के लिए, परफ्यूम्स के लिए, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स के लिए, तो यहाँ सब कुछ मिलती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं दुबई के मीना बाज़ार में, और आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए एंड यहाँ किस तरह के इंडियन ड्रेसेस, पाकिस्तानी ड्रेसेस मिलती है आप लोग भी मेरे साथ देखिए। तो देखिए यहाँ आने से ऐसा लगता है कि आप इंडिया में ही हो, इंडिया में जैसे ओपन मार्केट होता है अभी सेम वैसा ही है। तो यहाँ आने से ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप दुबई में हो, ऐसा लगता है कि आप इंडिया में ही हो। कलेक्शन देखिए, वेडिंग या कोई भी ओकेशन के लिए इंडियन ड्रेसेस की काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है यहाँ, पार्टी वेयर ड्रेसेस, ये देखिए लहंगा में काफ़ी अच्छे अच्छे वेराइटीज़ है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों के इंडियन ड्रेसेस, शेरवानी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये देखिए वेडिंग ड्रेसेस की कलेक्शन, पार्टी वेयर ड्रेसेस की, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो आज मैं शॉप के अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि आप जिदान को देखिए वो इतना परेशान कर रहा था, शॉप से उस शॉप भाग रहा था और मेन रोड पे चल रहा था, या गाड़ी वगैरह आ रही थी तो काफ़ी डर भी लग रहा था इसलिए अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड अकेले उसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो आजकल इतना ज़्यादा शरारती हो गया है और इतना ज़्यादा भागदौड़ करता है, उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए वेडिंग के लिए लहंगा शेरवानी वगैरह की कलेक्शन, तो यहाँ इंडियन पाकिस्तानी हेवी लाइट सब तरह के सूट मिल जाती है। देखिए कितनी वैरायटी है हर दुकान में, मतलब बाहर से आप देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटीज है।
यहाँ पे देखिए पार्टी वेयर ड्रेसेस की कलेक्शन, काफ़ी एलिगेंट लुक आ रहा था, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था ये ड्रेसेस। यहाँ पे सैंडल्स की कलेक्शन देखिए, शूज़ की, पार्टी वेयर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बैग्स की भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ थी, और जेंट्स के शूज़ के भी। देखिए बाहर किस तरह से ड्रेसेस शेरवानी वगैरह टंगे हुए हैं, सेम जैसे हमारे इंडिया में टंगे हुए रहते हैं शॉप्स के बाहर, वैसे ही है। एंड यहाँ पे देखिए जेंट्स के कुर्ता पैजामे में भी काफ़ी अच्छे वैरायटीज है, एंड लेडीज़ के स्कर्ट कुर्ती में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। देखिए जिदन शॉप के अंदर चला गया और बाहर ही नहीं आ रहा था, उसको लेकर शूटिंग करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। आई थिंक उसे भी शॉपिंग करनी थी, ड्रेसेस देखनी थी, इसलिए वो इस शॉप से उस शॉप में जा रहा था। देखिए अनस्टिच सूट के भी कलेक्शन थे, काफ़ी प्यारे थे इनके कलर्स, और यहाँ बच्चों के कपड़े और लेडीज़ टेलरिंग हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड खाने पीने से के रेस्टोरेंट्स, चाट हाउसेस वगैरह हर चीज़ मिल जाएंगी। और रोड्स के उस तरफ की काफ़ी सारे शॉप्स है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। एंड ये ड्रेसेस देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, एस्थेटिक वाइब वाले कपड़े भी थे, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्रेसेस की, और बोथ जेंट्स एंड लेडीज़ के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। हर तरह के कलर्स अवेलेबल होती है यहाँ, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप अगर यहाँ आते हो तो आपकी बहुत अच्छे से शॉपिंग हो जाएंगी। यहाँ आपको एक से एक वैरायटी है, यहाँ का प्राइजेस थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन आप ले सकते हो। अगर आप यहाँ रहते हो तो ऑफकोर्स खर्चा भी यहाँ के हिसाब से ही होगी ना। और यहाँ जिदान को देखिए, वो चल चल के थक गया, तो अभी पानी पी रहा है, वो एक जगह बैठ नहीं रहा था ना रुक रहा था, उसको यहाँ से वहाँ भागना ही था, हर शॉप के अंदर जा रहा था, उसकी अलग से ही शॉपिंग चल रही थी। बेटा मौज कर दी, हां मौज कर दी वाह बेटे। तो देखिए किंडर जय हाथ पे लेकर पूरा मीना बाजार वो घूम रहा था, डर भी नहीं लग रहा था, वो हर किसी के शॉप के अंदर जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसकी वजह से मैं भी अच्छे से ना चीज़ें देख पा रही थी, ना शॉपिंग कर पा रही थी, ना अच्छे से शूट कर पा रही थी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, छोटे बच्चे को लेकर ये सब करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए यहाँ भी वो लोगों के बीच बीच में किस तरह से भाग रहा है। तो जिदान को लेकर ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी चलिए यहाँ से चलते हैं, किसी और दिन आकर अच्छे से शूट करके आप सबको दिखा दूँगी, मीना बाज़ार का फुल टूर दे दूँगी। आज और जिदान को लेकर नहीं पा रहा था, और यहाँ देखिए मैं जिदान को बोल रही थी मुझे पिक लेना है, आप पोज दो, वो किस तरह से पोज दे रहा है, मतलब वो इतना स्मार्ट हो गया है, सब कुछ समझता है। और यहाँ देखिए वेडिंग के ओकेशन के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ, और मुझे लगता है मैं नेक्स्ट अगर इंडिया गई, अगर किसी का शादी या पार्टी रहा, मैं मुझे यहाँ से कुछ कलेक्शन खरीद के ले जाना है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल डेज में तो ये सब पहनती नहीं हूँ मैं, और ख़रीद के भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई वेडिंग या पार्टी रहा मैं जब इंडिया जाऊँ, तब तो मैं यहाँ से ड्रेसेस ले जाऊँगी, और यहाँ के ड्रेसेस की काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ देखिए ज्वेलरीज़ की कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ थी, और इनके डिज़ाइंस देखिए आप, ईयर रिंग्स के, नेक पीस के, कितनी अच्छे अच्छे वैरायटीज़ हैं इनके पास। एंड इवन देखिए बैंगल्स के भी काफ़ी प्यारे कलेक्शन थे, काफ़ी कलरफुल बैंगल्स थे, मुझे बैंगल्स लेने थे लेकिन जिदान की वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रही थी कैसे लूँ। मैंने सोचा नेक्स्ट जब आऊँगी तब बैंगल्स ज़रूर लूँगी। और यहाँ का व्यू देखिए, हमारी शॉपिंग हो गई थी तो अभी हम फिर से आ गए थे अल्फाइदी सूक, क्योंकि हमारी कार यही पार्किंग पे है, और आज मैंने शॉपिंग की है जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और एंड ये शोरूम पाकिस्तानी सिंगर जुनेद जमशेद, जिनकी फ्लाइट क्रैश में डेथ हो गई थी, ये उनका क्लॉथिंग ब्रांड है जे, उसी ब्रांड का शोरूम है ये। एंड इनके पास इतने सुपर कलेक्शन होती है, एक बार उनके शोरूम में गई थी बिफोर ब्लॉगिंग, तो मैंने देखा उनके शोरूम में बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन होती है। और नेक्स्ट में जब भी मीना बाज़ार आऊँगी तब आप सबको मैं मीना बाज़ार का फुल टूर दे दूँगी, सॉरी आज मैं नहीं दे पाई। और अभी हम चलते हैं घर। मैं जस्ट अभी घर आ गई हूँ और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, मैंने सोचा चेंज करने से पहले आप सबको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी, काफ़ी हैवी हैवी ड्रेस थे, लेकिन अभी कोई ओकेशन भी नहीं है, ईद भी नहीं है, ना किसी की शादी ना पार्टी, तो इतना हैवी ड्रेस लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ही रखा रहेगा, तो मैंने नहीं लिया। और आप लोगों ने देखा होगा जिदान ने किस तरह परेशान किया है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं देख भी नहीं पाई, इवन आप लोगों को भी मैं मीना बाज़ार का फुल टूर नहीं दे पाई, जितना किया जिदान को लेकर बहुत मुश्किल से किया है।
तो अभी मैं आप सबको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया। मैंने ज़्यादा हेवी टाइप का ड्रेस नहीं लिया है, जस्ट लाइट वेट का लिया है, जिसे मैं घर पे भी कैरी कर पाऊँ, बाहर भी कैरी कर पाऊँ, वैसा टाइप का लिया है। और उतना हेवी लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ दुबई में आप लोगों ने देखा होगा, लोग उतना हेवी हेवी ड्रेस नहीं पहनते हैं। एंड यहाँ कोई शादी वोकेशन भी नहीं है। जब मैं इंडिया जाऊँगी तब मैंने सोचा मैं यहाँ से अच्छे अच्छे हैवी ड्रेसेस ले जाऊँगी एंड आप सबको भी दिखाऊँगी। तो चलिए अभी लेट नहीं करते क्योंकि जिदान बाहर बहुत परेशान कर रहा है उसे डैडी को। तो मैं आप सबको फटाफट दिखा देती हूँ मैंने आज क्या लिया। तो सबसे पहले मैंने ये सूट लिया है, सलवार सूट, ये वाइट कलर का। ये इसका पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद आया, इस तरह के मेरे पास वाइट नहीं थे, काफ़ी कलरफुल थे, तो मैंने सोचा इस बार वाइट ले लेती हूँ। और इसका स्लीव देखिए आप, इसका स्लीव भी काफ़ी अच्छा है, फुल स्लीव में है और ये काफ़ी स्टाइलिश लगा हुआ है। एंड वाइट ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे भी वर्क है देखिए। एंड ये कॉटन में है और इसके सामने भी देखिए बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। एंड मुझे बेस्ट इसका दुपट्टा लगा, दुपट्टा काफ़ी बड़ा है और मुझे सलवार सूट में बड़े बड़े दुपट्टे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए दुपट्टा, तो दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और दुपट्टा के एजेस में देखिए ये दिया हुआ है और ये दुपट्टा काफ़ी बड़ा है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका कलर, इसका पैटर्न, सब कुछ। एंड ये पाकिस्तानी सूट है और इसका साथ सलवार देखिए, एक सलवार भी देखिए, इसका सलवार स्ट्रीट सलवार है। एंड इसके सलवार के एजेस में भी देखिए, नीचे में जैसे सूट में दिया हुआ है उस तरह का लाइनिंग दिया हुआ है, जिससे ये सलवार और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस सलवार में जो वर्क किया गया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थी मेरी एक सलवार। एंड दूसरा मैंने अनारकली पैटर्न में लिया है इंडियन ड्रेस, इस बार ब्राइट कलर में लिया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लाइट कलर में थे, तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ ब्राइट कलर में जाती हूँ। और इस तरह का ऑरेंज कलर का ड्रेस मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये लिया है अनारकली टाइप का। और इसका स्लीव देखिए, मुझे इसका स्लीव बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखिए स्लीव में ये जो वाइट कलर का लेस दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड उसी तरह इसके सूट के नीचे भी देखिए इस तरह का वाइट कलर का लेस दिया हुआ है। एंड तो इस सूट के नीचे देखिए इस तरह का गोल्डन लाइनिंग दिया हुआ है, जिससे कि ये सूट और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके मिडिल में इस तरह का देखिए बटन दिया हुआ है और इसके नीचे इस तरह का गोल्डन लाइनिंग। और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस तरह का लॉन्ग अनारकली पैटर्न में। और ये रहा इसका बैक साइड, एंड इसका बैक साइड में भी सेम वर्क है जिस तरह का इसके फ्रंट साइड में है। काफ़ी प्यारा सूट है ना। एंड उसके साथ इसका बेस्ट है इसका दुपट्टा, मुझे इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा पसंद आया। और दुपट्टे के एजेस में भी देखिए इस तरह का, जिसे सलवार में दिया हुआ है इस तरह का लेस दिया हुआ है, जिससे कि ये दुपट्टा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये शिफॉन में है और काफ़ी बड़ा है ये दुपट्टा। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, तो मैं कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये दुपट्टा काफ़ी ब्रॉड है देखिए, मुझे इस तरह का ब्रॉड दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सलवार सूट में। एंड उसके साथ ये रहा पैंट, और इसके पैंट का बेस्ट पार्ट है कि इसके पैंट में पॉकेट है, जिसमें मैं अपना मोबाइल, लिपस्टिक वगैरह कैरी कर पाऊंगी बाहर जाते वक्त। और ये भी स्ट्रेट पैंट है, काफ़ी कंफर्टेबल पैंट है। और ये सूट भी काफ़ी प्यारा है। आप सबको कैसा लगा मेरे दोनों सूट्स आप लोग मुझे बताना। बस ये थी मेरी शॉपिंग। एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया और मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी, एक तो ब्लॉगिंग कर रही थी, ऊपर से जिदान भी काफ़ी परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं। एंड मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही जस्ट मुझे पसंद आया रैंडमली, इसलिए मैंने ले लिया। और पहले का भी जो सूट्स थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने सोचा हैवी उतना लेके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कोई ओकेशन भी नहीं है, इंशाल्लाह जब ईद आएगी तब ले लेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको मेरा आज का ये शॉपिंग पसंद आई होगी एंड आज का ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई टाइम नहीं लगता, बस एक बटन ही तो प्रेस करनी है। एंड उसके नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है वो भी आप लोग क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरा आने वाला ब्लॉग की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। तो ठीक है, आज के ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय।